हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जी के जी एस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जो कि कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? किसी कंप्यूटर के ज्यामितीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो टोपोलॉजी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर किस विमान से परमाणु बम गिराया था? एनोला गे से। ऑप्शन सी हो जाएगा, एनोला गे। जापान पर अमेरिका ने हिरोशिमा पर कहेगा तो 6 अगस्त 1945 में बम गिराया था, 6 अगस्त 1945 में, जिसका नाम था लिटिल बॉय, जिसमें रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया गया था यूरेनियम-235। वही बोल देगा नागासाकी पे, तो 9 अगस्त 1945 हो जाएगा। और उसका नाम था फैटमैन, जिसमें प्रयोग किया गया था रासायनिक पदार्थ प्लूटोनियम-239। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ह्यूमन किलिंग मशीन किसे कहते हैं? परमाणु बम को ह्यूमन किलिंग मशीन कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किनके जन्म दिवस पर 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? विधान चंद्र राय, ऑप्शन बी। चिकित्सा दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 1991 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकीकरण पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? कुंजरू समिति, ऑप्शन बी। कुंजरू समिति, एनसीसी का स्थापना हुआ था 1948 में, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं तरुण कुमार। अगला क्वेश्चन हो गया, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोलन, ऑप्शन ए, सोलन हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राधा रेड्डी यामिनी कृष्ण मूर्ति स्वप्न सुंदरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गिरी 1897 में कहाँ स्थापना की गई? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन, ऑप्शन ए, फ्रांस। इंटरपोल के स्थापना कहेगा तो 1923 में हुआ था, और इंटरपोल का नाम कब पड़ा तो 1956 में। इंटरपोल का स्थापना हुआ था 1923 में, इंटरपोल का नाम पड़ा 1956 में। इंटरपोल को दुनिया का पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, ऑप्शन ए, लंदन। स्थापना हुआ था 1958 में जिनेवा में, मुख्यालय कहेगा तो लंदन है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र पांडुरंगा किनका उपनाम है? तात्या टोपे का, ऑप्शन बी। वही कहेगा तो राम तनु पांडे किनका नाम है? तानसेन का, जो कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। रामचंद्र पांडुरंगा किनका उपनाम है? तो तात्या टोपे के, और राम तनु पांडे कहेगा तानसेन का गुरु कहेगा तो स्वामी हरिदास थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त कुल समुद्र तटों की संख्या कितनी है? 10, ऑप्शन ए। जिन समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया वो सबसे साफ सुथरा समुद्र तट है,
सबसे साफ सुथरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के कार्यकाल कितना वर्ष है? कितना वर्ष होता है? तो 2 वर्ष। और भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य लगातार आठवीं बार से बन रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर ताल झील को बिहार का पहला रामसर साइट कब घोषित किया गया? 2015 में। ऑप्शन हो जाएगा ए, 2015 में। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ किस राज्य ने समझौता किया है? महाराष्ट्र किया है। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किस राज्य ने किया? पंजाब। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित हेलेना और ध्रुवस्थ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण, राजस्थान। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किन देश के प्रशासकों ने स्वशिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान। ऑप्शन डी, अफगानिस्तान की राजधानी होता है काबुल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कहेगा तो कर्नाटक, ऑप्शन ए। दूसरा कहेगा तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों का विकास किस युग से हुआ है? मेसोजोइक युग। ऑप्शन ए, मेसोजोइक युग से डायनासोर इसी युग से संबंधित है, डायनासोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में सांप नहीं पाया जाता है? न्यूजीलैंड में सांप नहीं पाया जाता है। और बोल देगा, आयरलैंड में विषैला सांप नहीं पाया जाता है। आयरलैंड में सांप पाया जाता है लेकिन विषैला नहीं, और न्यूजीलैंड में सांप पाया ही नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। ऑप्शन ए, चेन्नई कहेगा तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लेखा संख्या को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसके द्वारा की गई? रिचर्ड स्टोन के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? सिरपुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? नाबार्ड का स्थापना हुआ था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी हो जाएगा, नाबार्ड का स्थापना हुआ था 1982 में। मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबके लिए शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया 2015 में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने 1000 का नया नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद कब चालू किया था? 2000 ईस्वी में, 1978 में। आरबीआई ने 1000 का नया नोट 22 वर्षों के अंतराल के बाद कब चालू किया था? 2000 ईस्वी में चालू किया था, 1978 में बंद किए थे, और उसके बाद 22 वर्षों के बाद 2000 ईस्वी में चालू किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी कुंवर सिंह के किस रियासत से संबंधित थे? जगदीशपुर रियासत। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित है?
असम से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारत का हीरा कहा? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, मुंबई के त्रिमूर्ति में कौन शामिल नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे, फिरोज शाह मेहता शामिल थे, केटी तेलांग शामिल थे, दादा भिनौजी शामिल थे। क्वेश्चन बोल रहा था कौन शामिल नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जिसने महात्मा गांधी को नग्न फकीर कहा था। और रॉबर्ट वॉलपोल कहेगा तो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और लॉर्ड पार्मस्टोन कहेगा तो जब भारत में 1857 के क्रांति हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920 में। कहाँ? तो कोलकाता में हुआ था। ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।